हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से द क्रिएटिव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट क्लास, और आज की जो हमारी अगली क्लास होने वाली है वो होने वाली है एनक्लेक्स बेस्ड एमसीक्यूज के बारे में। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत सारे एमसीक्यूज देखे, ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को लेकर के देख लिए, एंडोक्राइन सिस्टम को लेकर के देख लिए। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और क्लास में आप आए हैं तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप जितना लाइक करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेहतर जो है कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज वो है गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड, यानी कि आपका जो जीआईटी सिस्टम है, जीआई सिस्टम है, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके जो एमसीक्यूज हैं हम हल करने वाले हैं एनक्लेक्स बेस्ड। तो रेशनल भी हम बात करेंगे, पूरा रेशनल देखेंगे। तो वीडियो में आप आखिरी तक बने रहिएगा प्लीज़, और लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए, हियर वी आर विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू GIT, and here it is. Let me zoom it. The nurse is monitoring a client admitted to the hospital with a diagnosis of appendicitis, who is scheduled for surgery in 2 hours. Nurse एक appendicitis के client को observe कर रही है, जो कि appendicitis का जो client है, surgery होनी है उसकी 2 घंटे बाद, ठीक है। The client begins to complain increase of abdominal pain. क्लाइंट क्या बोल रहा है कि मुझे जो है एब्डोमिनल पेन जो है मेरा बढ़ गया है, और पेशेंट जो है वोमिटिंग करने लग जाता है। ऑन असेसमेंट द नर्स नोट दैट एब्डोमेन डिस्टेंडेड एंड बोवेल साउंड्स आर डिमिनिश्ड। नर्स पाती है कि एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंडेड है और बोवेल साउंड्स क्या हो गए, डिमिनिश्ड हो गए, नहीं आ रहे हैं। द व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन, क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन होगा? तो हम कहेंगे कि ये जो हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं कि एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो रहा है, साउंड जो है वो एबसेंट हो रहे हैं, तो ये जो साइन एंड सिम्टम है, नर्स को पता होगा कि ये जो साइन एंड सिम्टम है वो किसके हैं, पेरिटोनाइटिस के हैं, ठीक है। रप्चर हो गया है अपेंडिक्स का और पेरिटोनाइटिस हो गया है, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम हो गया, इस वजह से उसको पेन हो रहा है। तो क्या करेगी नर्स, हम देखते हैं वन बाय वन। ऑप्शन, रिपोजिशन द क्लाइंट एंड अप्लाई द हीटिंग पैड ऑफ द वार्म सेटिंग टू द क्लाइंट्स एब्डोमेन। जो पेशेंट का एब्डोमेन है, थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा हूं, मैं ऊपर कर लेता हूं इसको। जो पेशेंट का एब्डोमेन है उस पर क्या करेगी, वार्म एप्लीकेशन अप्लाई करेगी। ये बिल्कुल गलत आंसर है बच्चों, कभी भी अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट में हीट एप्लीकेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, आप हमेशा ध्यान रखें। हीट एप्लीकेशन करेंगे तो परफोरेशन हो जाएगा और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो हम हीट एप्लीकेशन तो कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। कॉल एंड आस्क द परमिटिंग रूम ऑपरेटिंग रूम टीम टू परफॉर्म सर्जरी एज सून एज पॉसिबल। क्या नर्स कॉल करके कह सकती है, वैसे तो ऑप्शन तो सही है कि सर्जरी जल्दी होनी चाहिए पेशेंट की, लेकिन क्या नर्स कॉल करके कहेगी कि चलिए जल्दी से सर्जरी तैयार कर दीजिए, मैं पेशेंट को लेकर आ रही हूँ या आ रहा हूँ? तो ऐसा नहीं होगा बच्चों, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि क्या काम हमारा है, क्या काम हमारा नहीं है। तो सर्जरी को पोस्टपोन करना या प्रीपोन करना, सर्जरी पहले होगी या बाद में होगी, ये डिसाइड करना नर्स का काम नहीं होता है। वैसे तो ऑप्शन सही लग रहा होगा आपको कि मैं तो फ़ोन करके पेशेंट के भले के लिए क्या कर दूंगा, बोल दूंगा कि ऑपरेशन जल्दी करो इसका, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारे आप पास ये अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। एज नर्सिंग ऑफिसर हमें पता होना चाहिए। एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब पेन मेडिकेशन, पेन मेडिकेशन का भी यहाँ पर पेन मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर मतलब एडमिनिस्टर कर सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट द प्रायोरिटी आंसर। व्हाट इज द प्रायोरिटी आंसर इज नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको नोटिफाई करना है, उसको बताना है कि सर ऐसा ऐसा हो गया है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो आएगा और बाकी की जो बाद में जो है सर्जरी पहले प्रीपोन कर सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर का काम है, नर्स का काम नहीं है। सो प्रायोरिटी आंसर क्या होगा हमारा, पहला आंसर, पहला ऑप्शन जो है वो सही है बच्चों। चलिए, यहाँ तक आपको समझना होगा। अगले जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस साटा वाले हैं, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, और वो क्वेश्चन आपको पता है कि हम डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले हैं। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन चाहे आए या नहीं आए बच्चों, इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कठिन लगता है आप सभी को, इसलिए हम इसकी क्लासेस लेकर आए हैं, जिससे कि आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। और हम मानते हैं तो आसान है, नहीं मानते हैं तो मुश्किल है, ठीक है। तो हम इसको आसान करेंगे किस तरह से। अ क्लाइंट, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अ क्लाइंट इज डायग्नोज विद वायरल हेपेटाइटिस, एक क्लाइंट को वायरल हेपेटाइटिस है, ध्यान रखें शब्दों को पकड़ें, कंप्लेनिंग ऑफ नो एपेटाइट, उसको क्या हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, एंड लूजनिंग ऑफ माई टेस्ट इन फूड,
उसका जो टेस्ट है खाने के अंदर जो इंटरेस्ट है वो खो रहा है वो. व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव टू द क्लाइंट टू प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन. क्या इंस्ट्रक्शन जो है क्लाइंट नर्स को देना चाहिए क्लाइंट को, तो क्या देंगे देखते हैं. सेलेक्ट फूड हाई इन फैट. क्या है क्लाइंट जिसको हेपेटाइटिस है, इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ लीवर है, उसको क्या हम हाई फाइव फैट डाइट देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि जो है वहाँ पर जो बाइल का फॉर्मेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा और जो गॉल ब्लैडर है वो भी कम बाइल जो है वो करेगा, बाइल को आगे भेजेगा. तो बाइल सॉल्ट अगर कम है, बाइल अगर कम रिलीज हो रहा है, तो हम फैटी डाइट देंगे तो क्या फैटी डाइट एब्जॉर्ब हो पाएगी? क्या उसको डाइजेस्ट कर पाएगा आपका एब्डोमन, उसका आपका जो इंटेस्टाइन है वो? नहीं कर पाएगा. इसलिए हम फैट डाइट को अवॉइड करेंगे. ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग आंसर. इंक्रीज इनटेक ऑफ फ्लूइड इंक्लूडिंग जूसेस. चलिए इसको देखते हैं, अभी छोड़ देते हैं, थोड़ा सही लग रहा है. ईट अ गुड सपर व्हेन एनोरेक्सिया इज नॉट सीवियर. जब सीवियर एनोरेक्सिया नहीं हो तब वो अच्छे से खाना खा ले, तो ऐसा भी ये भी कोई सही बात नहीं है. ठीक है, रॉन्ग आंसर. ईट लेस ऑफन, प्रेफरेबली ओनली 3 meals पर डे. वो कम खाना खाए, 3 बार में सब कुछ खाना ठूस ले, ये भी गलत आंसर है. जो पेशेंट होता है ऐसे कुछ डिजीज वाले पेशेंट जो होते हैं उनको हम फ्रिक्वेंट मील्स देते हैं, मतलब 3 बार नहीं 6 बार देंगे, कम देंगे, क्योंकि वो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो एक साथ कैसे खाएगा वो खाना, है ना, इंटरेस्ट ही नहीं है खाने में, भूख ही नहीं लग रही है तो कैसे खाएगा. तो राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा बच्चों ये होगा, इंक्रीज इनटेक ऑफ फ्लूइड इंक्लूडिंग जूसेस. जो फ्लूइड का इनटेक जो है वो बढ़ाना है, जूसेस भी दे सकते हैं जिससे कि इजीली वो डाइजेस्ट हो जाएगा और फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा होगा तो पेशेंट के लिए भी अच्छा होगा. चलिए, यहाँ तक आपने देखा होगा, समझ में आ रहा होगा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा. अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. चलिए, ये तो आप कर देंगे जैसा कि मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ. अ क्लाइंट हैज़ डेवलप्ड हेपेटाइटिस ए आफ्टर ईटिंग कंटामिनेटेड ऑयस्टर. ऑयस्टर का मतलब एक ऐसा समुद्री एक तरह से जीव होता है, ठीक है, वो उसको खाते हैं कुछ लोग, ठीक है, मांसाहार के अंदर आएगा, तो वो उसने खा लिया है तो उसको क्या हो गया है, हेपेटाइटिस ए हो गया है. द नर्स असेस द क्लाइंट फॉर विच एक्सपेक्टेड असेसमेंट फाइंडिंग. यानी कि नर्स क्या फाइंडिंग असेस करेगी इस पेशेंट के अंदर. लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट डिस्कम्फर्ट. क्या उसको लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट डिस्कम्फर्ट होगा? जी नहीं. ठीक है, ये अलग ही साइन सिम्टम है. वजन बढ़ जाएगा उसका? वजन नहीं बढ़ेगा. ठीक है, डार्क स्टूल भी नहीं होगा. राइट आंसर क्या है? उसको मलेज देखने को मिलेगा. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हेपेटाइटिस ए का एक साइन सिम्टम है मलेज, थकान, ठीक है, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी. तो मलेज इज वन ऑफ द साइलेंट सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस ए. उसको ऑयस्टर खाए, इस ऑयस्टर से रिलेशन नहीं है, हेपेटाइटिस ए से रिलेशन है. हेपेटाइटिस ए वाटर बोन है, आप सभी को पता है. ठीक है, फूड बोन भी हम कह सकते हैं, वाटर एंड फूड से फैलता है. चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमने समझा, अगले सवाल तक देखेंगे. ये तो दोनों जो है सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई है, जिसको हम नहीं देख रहे हैं. अगला प्रश्न हमारा 594, और इसको ध्यान से देखेंगे. अ क्लाइंट हैज अंडरगोन द इसोफेजो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी. ध्यान से देखिए बच्चों, इसोफेजो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी नाम ही बहुत बड़ा है, मतलब इसमें दो नाम है. देखो, इसोफेजो, इसोफेगस एक तो, गैस्ट्रो यानी कि गैस्ट्रिक, मतलब आपका एक तरह से हम कह सकते हैं स्टमक है, और ड्यूडेनो मतलब ड्यूडेनम है, और स्कोपी का मतलब क्या, विजुअलाइजेशन. मतलब कि ऐसी टेक्निक जिसके अंदर हम ड्यूडेनम का, स्टमक का और इसोफेगस का विजुअलाइजेशन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, इसोफेजो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी. ठीक है, सो दिस इज द विजुअलाइजेशन ऑफ इसोफेजस, गैस्ट्रम एंड योर ड्यूडेनम. सो आगे देखते हैं, चलिए क्या है. द नर्स शुड प्लेस हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन विच आइटम एज अ पार्ट ऑफ क्लाइंट्स केयर प्लान. किस पर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी प्लेस करेगी नर्स एक क्लाइंट के केयर प्लान के रूप में, चलिए देखते हैं. आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं. चलिए, मॉनिटर द टेम्परेचर. टेम्परेचर मॉनिटर करना, इसोफेजियो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी से टेम्परेचर का बहुत कोई संबंध नहीं है, कम ज़्यादा नहीं होता है उसके अंदर टेम्परेचर, तो ये ऐसा नहीं करेंगे हम. अगला है मॉनिटरिंग कंप्लेंट्स ऑफ हार्ट बर्न. जो कंप्लेंट्स हैं पेशेंट कह रहा है मुझे हार्ट बर्न हो रहा है, तो उसकी कंप्लेंट को मॉनिटर करना, तो दिस इज नॉट
रिलीवेंट हियर. ठीक है, हार्टबर्न होता है, जीईआरडी में कॉमनली देखने को मिलता है, यहाँ पर नहीं रिलेशन है. गिविंग अ वार्म गार्गल फॉर सोर थ्रोट, उसको वार्म गार्गल देंगे, ठीक है, सोर थ्रोट के लिए. तो सोर थ्रोट अलग चीज़ है, सोफेजियोगैस्ट्रोडेनोस्कोपी वो अलग चीज़ है, तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी रॉन्ग. असेस फॉर रिटर्न ऑफ गैग रिफ्लेक्स, हम असेस करेंगे कि पेशेंट के गैग रिफ्लेक्स वापस आ गए हैं, क्योंकि जब ये प्रोसीजर करते हैं उस दौरान पेशेंट को हम बेहोश कर देते हैं, और जब बेहोशी से वापस पेशेंट आएगा होश के अंदर, तो हम देखेंगे कि उसके गैग रिफ्लेक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. गैग रिफ्लेक्स जीवन भर रहता है, तो गैग रिफ्लेक्स अगर वापस आ गया है तो अच्छी बात है, पेशेंट को कुछ भी खाने या पीने के लिए दे सकते हैं, अन्यथा नहीं देंगे. वार्म गार्गल्स नहीं कराएंगे क्योंकि गैग रिफ्लेक्स हमें चेक करना है पहले. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल. एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी चलिए अगला प्रश्न है. अ नर्स हैज टॉट द क्लाइंट अबाउट एन अपकमिंग एंडोस्कोपिक रेटोग्लोटोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी. बहुत बड़ा है, ठीक है. एंडोस्कोपिक मतलब एक एंडोस्कोपी का मतलब क्या होता है कि हम एक कैमरा इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी का मतलब वहां पर पेनक्रियास के बारे में जो है पेनक्रियास की स्टडी हमें करनी है. तो एक कैमरा इंसर्ट करते हैं हम आपके इसोफेगस के थ्रू, गैस्ट्रिक में जाएगा, ड्यूडेनम में जाएगा, फिर वहाँ जा करके पेनक्रियास की वहाँ पर एक तरह से विजुलाइजेशन करेगा और वो हमें बाहर दिखेगा कैमरे के अंदर. तो ये जो प्रोसीजर हो रहा है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी, ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर हो रहा है, द नर्स डिटरमाइन दैट द क्लाइंट नीड्स फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड द क्लाइंट मेक्स विच स्टेटमेंट. इस प्रोसीजर के दौरान कौन सा स्टेटमेंट अगर क्लाइंट कहता है तो उसको और समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें से गलत कौन सा है. बच्चों आप प्रश्न को समझें, प्रश्न की भाव को समझें, और इसमें जो गलत है वो कौन सा है, हम देखते हैं कौन सा गलत है. पहला है, आई नो आई मस्ट साइन द कंसेंट फॉर्म. पेशेंट को कंसेंट लेना पड़ेगा, जी हाँ, पेशेंट को कंसेंट लेना पड़ेगा, उसकी आपकी ईआरसी भी होने वाली है, सारी हानि और लाभ की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, ठीक है, हम खुशी खुशी करवा रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा कंसेंट लेगा, कंसेंट देना पड़ेगा पेशेंट को. और हाँ, यहाँ पर ध्यान रखें, कंसेंट लेना इज़ द फंक्शन ऑफ डॉक्टर, नॉट नर्स. नर्स क्या करेगी वहाँ पर, एक तरह से एडवोकेट का काम करेगी, यानी कि वहाँ पर जब डॉक्टर कंसेंट लेगा तब वहाँ पर नर्स खड़ी खड़ी हाँ कि कंसेंट लिया जा रहा है, ठीक है, डॉक्टर का ही काम है कंसेंट लेना, नर्स का काम नहीं है. चलिए ये भी आप ध्यान रखें, आई होप द थ्रोट स्प्रेज कीप मी फ्रॉम गैगिंग. थ्रोट के जो स्प्रे हैं वो उसको गैगिंग से बचाएंगे. गैगिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो आपका थ्रोट है उसका मसल्स का स्पाज्म हो जाना, या थ्रोट के जो वो वहाँ पर कह सकते हैं कि जो थ्रोट का डायमीटर है वो कम हो जाना, उस वजह से क्या हो जाता, हो सकता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी तो आगे दिक्कत हो सकती है. तो हम जो थ्रोट स्प्रे अगर कर देंगे तो वहाँ पर क्या होगा, गैगिंग से बचेगा पेशेंट, और वहाँ पर जो है एक तरह से नेरोइंग नहीं होगी, नेरोइंग ऑफ द थ्रोट नहीं होगा. तो सही बात है, ऐसा करेंगे. आई एम ग्लेड आई डोंट हैव टू स्टिल साइलेंट फॉर द प्रोसीजर. ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, पहले हम चौथा ऑप्शन देख लेते हैं. आई एम ग्लेड सम इंट्रावेनस मेडिकेशन विल बी गिवन टू रिलैक्स मी. पेशेंट है, उसको एनेस्थीशिया देंगे, हम एनेस्थीशिया देंगे जिससे कि वो बेहोश हो जाए, और बेहोश हो जाएगा तो आसानी रहेगी प्रोसीजर करने में, ठीक है, होश में रहेगा तो ऐसी सब चीज़ें इंसर्ट करेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी उसकी. तो दिस इज ऑल्सो राइट, तो सो वॉट इज गोइंग टू बी रॉन्ग. आई एम ग्लेड टू डोंट हैव टू लाइ स्टिल इन द प्रोसीजर. वो कहेगा कि मुझे लेटने की जरूरत नहीं है. लेटने की जरूरत क्यों नहीं है भाई, लेटने की जरूरत तो है. एक जैसा मतलब अगर वो हिलेगा डुलेगा तो प्रोसीजर के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसलिए पेशेंट को स्टिल होकर के लेटने की जरूरत होगी. तो यानी कि जो राइट है, जो रॉन्ग है वही राइट है, और हमारा तीसरा ऑप्शन जो है इसके अंदर राइट है. बाकी सब सही है इसलिए वो गलत है, ये सही नहीं है इसलिए ये सही है, ठीक है. मतलब जो गलत है वो सही है और जो सही है वो गलत है, ऐसा ही कहा है हमने कुछ. चलिए तो मोदी, चलिए अगला देखते हैं. अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर डिटरमाइंड दैट अ क्लाइंट हैज कॉन्ट्रैक्टेड हेपेटाइटिस ए बेस्ड ऑन द फ्लू लाइक सिम्टम्स एंड जॉन्डिस. हेपेटाइटिस ए पेशेंट को हो गया है, उसमें से फ्लू लाइक सिम्टम देखने को मिल रहे हैं और जॉन्डिस देखने को मिल रहा है. विच स्टेटमेंट मेड बाय द क्लाइंट सपोर्ट दिस मेडिकल डायग्नोसिस. कौन सा स्टेटमेंट अगर इस क्लाइंट कहता है तो इस डायग्नोसिस को हम सपोर्ट कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. आई हैव हैड अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स. रॉन्ग. अगर किसी पेशेंट ने मल्टीपल सेक्स किया है मल्टीपल पार्टनर से तो उसको क्या होने के चांसेस रहेंगे, हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से, ठीक है, और जो HIV वगैरह है वो भी इससे फैलता है. उसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वो भी मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होने से फैल सकती है. उसके अलावा गोनोरिया यानी कि वाइटिस डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना,
is also can be caused by multiple sex partners. So there are various, you know, UTI also, urinary tract infection, can also be caused by multiple sex partners. तो ये सब बीमारियाँ होगी, लेकिन हेपेटाइटिस ए हमारा नहीं होगा. चलिए देखा हमने. और उसके बाद I ate selfish about 2 weeks ago at a local restaurant. ये थोड़ा सा सही लग रहा है, इसको हम देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद. पहले नीचे वाले दूसरे देख लेते हैं. I was an intravenous drug abuser in the past and shared needles. उसने बहुत सारे needles शेयर की, एक ही needle से वो उसको भी drug abuse कर रहा है. ठीक है, drug abusers जो आते हैं उसको ये भी wrong answer है. इसमें ये सब होंगे, HIV होगा, ठीक है, और hepatitis भी होगा. Staph gonorrhea का यहाँ पर कोई relation नहीं है. तो जो ब्लड बॉर्न डिजीज है, जो ब्लड से ट्रांसमिट होती है, ऐसी बीमारियां होगी किससे, आपके एक तरह से शेयर करने से, ड्रग अब्यूज करने से. आई हैड अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन 30 years अगो आफ्टर मेजर एब्डोमिनल सर्जरी. अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हेपेटाइटिस बी और HIV जैसी बीमारियां ही फैलती है, ना कि हेपेटाइटिस ए फैलता है. तो कौन सा राइट आंसर होगा? एक आदमी ने सेलफिश खाया, ठीक है, एक मछली खाई, शेलफिश उसका नाम है, 2 सप्ताह पहले एक लोकल रेस्टोरेंट पे. तो खाने से और पानी से फैलता है आपका हेपेटाइटिस ए, और इस तरह से उसको हेपेटाइटिस ए हो गया है. बाकी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है. ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चों. बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और इसमें जो दूसरे मेन चीज़ें बताइए वो भी आप याद रखें, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं. चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. ये तो सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई है, इसको हम नहीं देखेंगे. ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा 598 प्रश्न और 598वां प्रश्न जो है हम देखते हैं. चलिए, द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट फॉर 24 आवर्स फॉलोइंग अ कोलिसिस्टेक्टोमी. व्हाट इज द कोलिसिस्टेक्टोमी? दिस इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर को हम काट करके निकाल रहे हैं. कब निकाल सकते हैं? गॉल ब्लैडर के अंदर कोई भी कैंसर हो गया है, गॉल ब्लैडर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन, मतलब एक तरह से गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स हो गए हैं, ऐसी कंडीशन में गॉल ब्लैडर काम नहीं कर रहा है, तो गॉल ब्लैडर को काट के निकालना पड़ सकता है. कोलिसिस्टेक्टोमी हो गई है, ठीक है, तो नर्स उसको ध्यान रख रही है. द नर्स नोट द टी ट्यूब लगाते हैं, ठीक है, सर्जरी के बाद, जिससे कि ड्रेन जो है बाहर आ सके. और 750 ml ड्रेनेज जो है वो आ गया है, ग्रीन ब्राउन कलर का ड्रेनेज आया है. सिंस द सर्जरी विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट. 750 ml ड्रेनेज आया है, तो क्या नर्सिंग इंटरवेंशन मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा? क्या नर्स करेगी? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही होता है कि नर्स क्या करेगी. क्लेम द टी ट्यूब को क्लेम कर देगी. रॉन्ग आंसर, क्लेम नहीं करना है. इरीगेट द टी ट्यूब, उसको इरीगेट करेगी, ये भी रॉन्ग आंसर है, नहीं करना है. नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये भी रॉन्ग आंसर है, क्योंकि बच्चों ये जो हमें देखने को मिल रहा है 750 ml जो सेक्रेशन से, वो नॉर्मल है. ठीक है, तो डॉक्यूमेंट करेंगे फाइंडिंग को, लिखेंगे, नर्स लिखेगी कि इतना इतना आया है, बाकी कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता है. बिकॉज दिस इज अ नॉर्मल फाइंडिंग, यानी कि 500 से लगा करके 1000 ml तक अगर सेक्रेशन आ जाते हैं, तो दैट इज नॉर्मल फाइंडिंग, देर इज नो एबनॉर्मलिटी इन दिस. सो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है पेशेंट को, और आगे बढ़िए. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे इस तरह से बढ़ेंगे कि अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे. द नर्स इज मॉनिटरिंग अ क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर. बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है. पेप्टिक अल्सर से एक पेशेंट को डायग्नोस किया है. विच स्टेटमेंट फाइंडिंग वुड मोस्ट लाइकली टू इंडिकेट परफोरेशन ऑफ द अल्सर. क्या हमें फाइंडिंग इंडिकेट करेगी कि जो अल्सर है वो परफोरेट हो चुका है, फूट चुका है, फैल गया है, फूल गया है, फट चुका है? तो क्या देखने को मिलेगा? ब्रेडिकार्डिया, नहीं, ब्रेडिकार्डिया का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है. नमनेस ऑफ द लेग्स, अब बात हम कर रहे हैं पेप्टिक अल्सर की, तो पेप्टिक अल्सर में लेग्स कहाँ से आ गई है? लेग का अल्सर के तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, पेट लेग में नमनेस हो तो वो अलग साइन है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है. नोजिया ऑन वोमिटिंग, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, वो भी रिलेटेड यहाँ पर नहीं है. तो क्या हमारा राइट आंसर होने वाला है? तो होने वाला है रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन. जब भी ऐसा होगा परफोरेट हो जाएगा. और जी हाँ, ये ध्यान में आपको एक बता दूं बात, दिस इज अ सर्जिकल इमरजेंसी. जल्द से जल्द हमें यहाँ पर सर्जिकल प्रोसीजर जो है हमें तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सर्जन को करना पड़ेगा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है, डॉक्टर साहब करेंगे सर्जरी. तो ये ध्यान रखना है, दिस इज अ सर्जिकल इमरजेंसी. व्हाट इज पेप्टिक अल्सर परफोरेशन? सो व्हाट साइन एंड सिम्टम वी हैव टू गोइंग टू सी इज द रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन, द नर्स इज गोइंग टू सी. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ तक हो गया.
अगला सवाल है हमारा 600वां सवाल, 5 लाख रुपए का, ठीक है। तो देखते हैं 600वां सवाल में 5 लाख रुपए जैसा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ नर्स इज केयरिंग फॉर द फॉलोइंग गैस्ट्रोजेनोस्टॉमी। एक पेशेंट है जिसको गैस्ट्रोजेनोस्टॉमी हुई है, ठीक है, बिल्ड्रोथ सेकेंड प्रोसीजर है, ठीक है, और यानी कि पेट को काट करके जेजुनम से कॉन्टेक्ट कर दिया है, तो उसको बोलते हैं बिल्ड्रोथ सेकेंड। बिल्ड्रोथ फर्स्ट क्या होता है? गैस्ट्रो ड्यूडेनो स्टोमी, इसको बोलते हैं बिल्ड्रोथ फर्स्ट, यानी कि पेट को काट करके कहाँ से एनास्टोमोसिस कर दिया है, ड्यूडेनम से कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज बिल्ड्रोथ फर्स्ट, और अगर ड्यूडेनम से नहीं किया और जेजुनम से कर दिया है तो हम क्या कहेंगे, बिल्ड्रोथ सेकंड कहेंगे। ऐसा प्रोसीजर जो क्लाइंट के साथ हो चुका है। विच पोस्ट ऑपरेटिव प्रिस्क्रिप्शन शुड द नर्स क्वेश्चन एंड वेरीफाई। कौन सा जो है पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर जो है नर्स क्वेश्चन करेगी, यानी कि वो गलत है, और वेरीफाई करेगी। चलिए देखते हैं। लेग एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, जी हाँ सही बात है। अर्ली एम्बुलेशन कराना भी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होने वाली है। कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, पेशेंट जो है कफिंग और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर इरीगेटिंग द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो लिखा हुआ है वो गलत है। तो यहाँ पर हम इरीगेट नहीं करेंगे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को, हमें इरीगेट करने से बचना चाहिए। अगर ऐसा डॉक्टर साहब लिख के देते हैं तो हम उसको क्वेश्चन करेंगे कि बताइए साहब ऐसा क्यों करेंगे, तो फिर उनको ध्यान में आएगा कि मैंने गलती से लिख दिया, और फिर वो उसको सही कर देंगे और फिर शाबाशी देंगे कि वाह नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, क्या हौसला है तेरा। चलो, तो नर्सिंग ऑफिसर को ऐसा ही बनना चाहिए कि हमारे पास नॉलेज हो और हम जो है डॉक्टर भी हमारी बात को सुने, माने और आगे बढ़ पाए। चलिए अब एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल, नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट फॉलोइंग गैस्ट्रेक्टोमी। एक पेशेंट को गैस्ट्रेक्टोमी हुई है, ठीक है, रिमूवल ऑफ एक तरह से स्टमक का सर्जरी हुई है, एंड शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक विच मेजर्स टू असिस्ट प्रिवेंटिंग डंपिंग सिंड्रोम। ऐसा क्या होगा जो डंपिंग सिंड्रोम को प्रिवेंट करेगा? डंपिंग सिंड्रोम का मतलब होता है खाली होना, किसका? स्टमक का। कैसे? जल्दी, मतलब पेशेंट है जिसका आपने स्टमक ही काट दिया है, तो जब भी खाना खाएगा जल्दी से कहाँ चला जाएगा? इंटेस्टाइन में चला जाएगा और आगे चला जाएगा, है ना। तो क्या हमें यहाँ पर डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन में क्या देंगे जिससे कि डंपिंग सिंड्रोम कम हो, नहीं हो? तो क्या देखते हैं, चलिए देखते हैं। एम्बुलेट करना फॉलोइंग द मील इज रॉन्ग आंसर। ईट हाई कार्बोहाइड्रेट फूड को जो है हम अवॉइड करेंगे जब भी डंपिंग सिंड्रोम होगा, क्योंकि उससे और डंपिंग सिंड्रोम जो है ज़्यादा होता है। और लिमिट द फ्लूइड्स टेकन विद मील्स, ठीक है, ये सही है। सिट इन अ हाई फाइबरस पोजिशन ड्यूरिंग मील, यहाँ पर जो है बच्चों वर्ड्स को बोलेंगे लाई डाउन हो जा, ठीक है, लाई डाउन फॉर 30 मिनट्स आफ्टर फूड, बोलेंगे आधे घंटे के लिए बेटा लेट जा, उससे क्या होगा धीरे धीरे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होगी। और यहाँ पर एम्बुलेट भी नहीं कराएंगे, ठीक है, एम्बुलेशन करेंगे तो भी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जल्दी होगी, हाई कार्बोहाइड्रेट हाई डाइट देंगे तो भी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जल्दी होगी। तो हमें क्या करना है कि फ्लूइड्स को कम देना है मील के साथ, जिससे क्या होगा धीरे धीरे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होगी, और धीरे धीरे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होने से फ़ायदा हमें डंपिंग सिंड्रोम नहीं होगा। तो यहाँ तक हमने देखा इस क्लास के अंदर, बाकी हम देखेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।